ये तारीख 17 नवंबर 2023 समय हो गया 06:01 PM। ये जो जिस टॉपिक पे बात हो रही है ना, मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, सब्जी वाला जो है, ठीक है, वो पता है क्या वॉइस क्या दे रहा है? मरियम नवाज शरीफ को ढूंढ रहा है। अबे मरियम नवाज शरीफ अरेस्ट है, अरेस्ट है मरियम नवाज शरीफ। आज फिर बात घूम फिर का वहीं आ जाएगी, चाहे मोदी की औलाद हो, ठीक है, चाहे राजनाथ सिंह के बच्चे हो, चाहे अमित शाह के बच्चे हो, चाहे रईसी के बच्चे हो, चाहे किंग सलमान के हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के, चाहे बाइडन के, कौन नहीं जानता हितेश को? क्यों नवाज शरीफ की लड़की जो है मरियम नवाज मुझे नहीं जानती क्या? फिर तो ऐसे ही जो है क्या कहते हैं, सब गरीबों के बीच में जो बैठे हुए जो अपने आप को 30 मार खान समझ रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का किस्सा मैं बता देता हूँ सर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब प्राइवेट जेट्स गए, बहुत से लड़के हैं, उनके अपने प्राइवेट जेट्स हैं, मरियम नवाज शरीफ ने वो प्राइवेट जेट जिसका था उसे तोड़ दिया। पार्किंग दे रखी है, सब कुछ दे रखी है, जेट कोई भी हो कहीं पे भी लैंड होता है, ये नियम है, आप मार नहीं सकते। और मरियम नवाज शरीफ जो है अपने पैसे की गर्मी दिखा रही है सबको। यहाँ बात पाकिस्तानी एयरफोर्स की या इंडियन एयरफोर्स की नहीं हो रही है, बात मामला अभिनंदन का नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं अभिनंदन जी आप बीच में मत बोलो, बात यहाँ से शुरू हो रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका ट्रंप को घर से निकाल दिया। सुनते रहे ना, बात कहाँ से शुरू हुई है कि पहले जाके सीख और उसके बाद आ। कह रहे जितने खर्चे में ये रहता है ना, उतने खर्चे में रह के दिखा, बोले बात सच है झूठ है। तो फिर बात यहां से शुरू हुई। अब भाई किसी के पास एक जेट है, किसी का दो जेट है, किसी का 10 जेट है, इसी बात को लेके किंग सलमान साहब के लड़के जो है अपने आप को कह रहे मैं प्रिंस हूं। भाई होगा कोई यार, होगा कोई, हमने कुछ कहा? इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी बिक गई भाई साहब, और मैं चुपचाप अभी भी यहीं बैठा हूं, फिर इन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया। क्या विपिन रावत जी के निधन के बाद गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट ने बकवास नहीं करी? मोदी जी कहते हैं कि मैं भारत में जो है भारत माता की जय, उनका लड़का खुद पाकिस्तान पंजाब पुलिस में पकड़ा गया है, बिल्कुल पकड़ा गया। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ अपने आप को कहती कि मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स की पायलट हूं, इसने रब्बी पीरजादा को ऐसे कैसे लिख दिया? क्या मरियम नवाज मेरे को शुरू से नहीं जानती थी मैं कौन हूं? हैं? कभी जुए खाने की एंड दिखा रही है, कभी एसएक्स फार्म की एंड दिखा रही है, कभी अल सलीम अपने बच्चों को बोल रहा है। तो अल सलीम से मैं पूछना चाहता हूं, अमान बिकी या नहीं बिकी? मैं हक्कानी से पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को जो जिस बात की गर्मी दिखा रहे हो भाई साहब, हक्कानी नेटवर्क बिका नहीं बिका? खरीदा किसने? नहीं न्यूज में तो मामला आएगा ही ना, मामला यार न्यूज चैनल का तो है नहीं, न्यूज चैनल का नहीं है ना मामला, इसमें न्यूज चैनल क्या करेंगे, इसमें न्यूज चैनल क्या करेगा सर? ये मामला जो है दो देशों के बीच में नहीं चल रहा ना, ये तो उन लड़के लड़कियों के बीच में चल रहा है जो बहुत पैसे वाले समझ लेते अपने आप को। मैं कह रहा, मैंने कहा यार देख ऐसा मेरे से पंगे मत ले, मैं अपनी आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूं। जबरदस्ती मरियम नवाज का मैसेज आता है, ये लड़का मुझे बिस्तर पे चाहिए, भैया इसका मतलब कुछ भी निकल सकता है। अब इस्लामाबाद कोर्ट में तरह तरह के डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं, बात यहां से शुरू हुई थी सर। अब वो लड़के जो है मेरे जानकार हैं, उन्होंने कहा कि यार एक काम करे, हमारा एक दोस्त और है इंडिया में, कह रहा हितेश को कॉन्टेक्ट करिए जरा। मैं भी क्या बात हो गई, कह रहा कुछ जेट चाहिए, उनको पता लॉकहीड मार्टिन कंपनी किसकी है? कह रहा वो छोड़ना, वो तो मैडम जो है क्या कहते हो तो केटे करे कंपनी की, कह रहा लॉकहीड मार्टिन का मालिक है वो।
अब यहाँ अगर नहीं पता मेरे घर परिवार में, मेरी वाइफ को नहीं पता, मेरे बच्चों को नहीं पता, वो एक अलग मामला है, वो छोड़। पर वहां जो कुछ भी हो रहा है इनको जिंदगी में नहीं पता लगेगा। अब मरियम नवाज शरीफ हमने अरेस्ट ली, अब वो हमसे लड़ने के लिए अगर मरियम नवाज शरीफ अपना टाइफून लेके इंडिया के अंदर घुस रही है, हमने मार गिराया उसका जेट। मामला ये है सर, मामला ये नहीं है कि इंडियन आर्मी ने वहां हमला कर दिया या पाकिस्तानी आर्मी ने। अब मोदी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने बताया ना, वो पंजाब पुलिस में, वो है मोदी का लड़का, वो है पंजाब पुलिस। उनको पता नहीं था, पंजाब पुलिस वालों को उन्होंने गोली मार दी, लिख कागज में। मैं बता रहा हूँ ना, मोदी के सबसे बड़े लड़के को पंजाब पुलिस ने गोली मारी है पंजाब में, हाथ आते ही मार दिया। यार मोदी का लड़का यहाँ क्या कर रहा है? वो तुम्हें पता क्या है फिर खेल, तुम्हें पता क्या है? मैं कह ये ले यार इसकी फोटो, शर्त लगा ले मोदी, और क्या कहता हूँ उसका जसोदा बेन का लड़का है ये, मार दिया उसको, बिल्कुल मार दिया। अब मरियम नवाज शरीफ कह रही कि मैं अब देख, मैं प्रधान अपने अपने भाई बाप के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने की ताकत दिखा रही है। यहाँ फर्क नहीं पड़ता मरियम नवाज, हमें फर्क नहीं पड़ता है, वो छोड़। मेरे पूरे घर परिवार को पूरी जिंदगी नहीं शायद समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूँ और मैं कौन हूँ। पर कभी जिंदगी में हाथ लगाने की जरा सोच के देखियो, जरा मेरे घर परिवार को, फिर बताता हूँ तुझे। समझ में आ गई? ऐसे ही ना, ऐसे ही नवाज शरीफ मोटरसाइकिल पे, ऐसे ही मोटरसाइकिल पे नवाज शरीफ जो है ना चिप्स बेचता नजर आएगा। मरे नवाज याद रखियो, आज भी कह रहा शाम को, ये उसका दूसरा भाई है, देख ले मैं वो हूं जो तू कभी नहीं बन सकती। अब उसके अंदर रब्बी पीरजादा कह रही मैं ये हूं, मैं वो हूं, यूट्यूब पे हैक कर रही है। मैं कोई इलीगल काम नहीं करता, यूट्यूब पे मेरा अकाउंट और ट्विटर हैक करते हुए मरियम नवाज के पास पुलिस वाले पहुंच गए। पर तू होगी किसी बहुत बड़े बाप की औलाद है, ट्विटर क्यों हैक किया? इसी तरीके से अभिषेक बच्चन, इसी तरीके से ऐश्वर्या राय, बस तू होगी कोई, ये मामला किसी को मालूम नहीं है। समझ में आ गई? तुम्हें भी मालूम नहीं हम क्या कर गुजरेंगे, साफ कर देंगे पूरा। उस दिन जो झगड़ा शुरू हुआ, हमने कहा भाई तू जेट पूरा पूरा जेट के पैसे दे दे, कहती मैं तो नहीं देती। हमने कहा गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट, फिर बंदा तो हम लेके आ गए, मैं कितने हवाई जहाज चाहिए, खरीदे हैं खरीदे। लॉकेट मार्टिन की लॉकेट मार्टिन की सप्लाई खत्म हो गई, 25,000 F-35 खरीदे मैंने, सपने में सोचे हैं। बहुत अपने आप को क्लब क्लब और बार डांसर की दिखा रहे, मैंने कहा निकाले उसकी सारी फोटोग्राफ, बताओ भी इसका चचा को, अमान को भी, अल सलीम को भी, और इसके मामा अक्कानी को, लियो जरा पंगे मेरे से, तो ज्यादा बड़ा बदमाश बन रहा है। वहां से इंडियन एयरफोर्स को धमकी दे रही है, या लड़के को समझा लो, इंडियन एयरफोर्स वाले कह रहे कि जो हमारा कोई मामला है ही नहीं, आपका झगड़ा आप समझो ना, आप हमें क्या धमकी दे रहे हो, कह रहे तो पठानकोट एयरबेस गया। अच्छा जी, मैं यहां तो एक बम भी नहीं गिरा, फोटोग्राफ तेरी आई है, अब दिखा इसका भाई बाप को फोटो, ढूंढ के दिखा नवाज शरीफ को फोटो इसकी, मरियम नवाज की, ये देख ले बे, मेरी प्रोफाइल खराब करेगी, ये असलियत यार। कह रही मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, तो मैं पिप्पे में हूं, तो मैं जूदा में हूं, मैं दाऊद इब्राहिम का लड़का हूं, मैं इसकी लुगाई हूं, मैं उसकी मामी हूं, उसकी फूफी हूं, पैसा है जेब में? अबे मैं तेरे से पूछ रहा हूं, पैसा है जेब में? अल सलीम कल जो रेड हुई है ना, मैं बताता हूं, अल सलीम का ठिकाने जिम, 89 जिम्स हैं इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में बस, और उन्हीं जिम के नीचे कसीनो है जो हक्कानी के हैं, जमीन के नीचे, ये हक्कानी नेटवर्क, खत्म खत्म अल सलीम और हक्कानी, हमने कब्जा किए, पैसा दिया है भाई, 4 टन गोल्ड दिया है। समझ में आई? उन्हीं कसीनोज के अंदर मरियम नवाज की जोया, मैं कह रहा हूं भाई सुन, कसीनो जोया सुना है कभी तुमने? कसीनो जोया सुना है? हैं? कसीनो जोया के अंदर क्या फोटोग्राफ है इसके, गोवा में है। बर्बाद कर दूंगा तेरा भाई बाप को,
अगर जेट के पैसे नहीं दिए तो, और एंट ने कम रखा अगर मेरे से, समझ में आ गई। मैं अपने बाकी यार दोस्त की तरह नहीं हूं, अब बल तो मैं कुछ कहता नहीं, अब मूड खराब हो जा रहा मैं फिर उनकी भी नहीं सुनता, समझ में आ रही है। यहां वो मामला नहीं है जो तू सोच रही कि इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी, समझ में आ गई। तू जहां गई ना, जो मुंह से तूने निकाला, यही कहा था ना तूने, यही कहा था ना कश्मीर घुस के दिखा रहा कर तेरे मत में, तो चलाती रहे रिकॉर्डिंग, चलाती रहे, हम भी तो देखे कितनी कितनी बढ़िया जूदा एजेंसी, बता जूदा की रीदा की धमकी दे रहे, बाद में पता चला मोदी खुद रीदा से है, हमें धमकी देगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय की है। मैंने यही बात अभिनंदन जी को समझाई, मैंने कहा अभिनंदन जी आप बात नहीं समझ रहे, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रही थी आप पे। मामला अभिनंदन जी देखो ऐसा है, ये जो जितने भी चाहे प्राइम मिनिस्टर की औलाद हो, तू एसपीजी सिक्योरिटी होगा मान ली तेरी बात, देख भाई तू ऐसा है ना, तेरा प्रधानमंत्री ना तू, हमसे ज्यादा पैसे वाला तो नहीं है और हमसे ज्यादा तेरे पास हथियार नहीं है, समझ में आ गई। हम बिगड़े बाप में, मैंने एक दिन ना हिंट दे दिया अपनी वाइफ को भी, मैंने कहा मैं बहुत बड़े बाप की बहुत बिगड़ी हुई औलाद हूँ, बस तू ये समझ ले यार, और कुछ मेरा दिमाग मत खराब किया कर, बस तू चल यार, समझ में आ रही है। और ऑर्डर मेरे ही चलते हैं, और ये जो है इंडियन आर्मी में भी बहुत से ऐसे लड़के हैं, एनएसजी के अंदर कुछ लड़के हैंडसमनेस पे, मैंने कहा देख भाई ऐसा है तू सरकारी आई कार्ड लेके चल रहा है, मेरे पास सिविल डिफेंस का आई कार्ड है, जो कि क्या कहते हैं इसमें सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जरूरी नहीं है कि मेरे पास ऑर्डर चल जाए, मैं जब चाहूं मना कर सकता हूं। मैंने एनएसजी के लड़कों को समझाया, मैंने कहा यार तुम साइड ही रहो, बात मान जाओ मेरी, मैंने कहा भूसा भर दूंगा एक एक के, यहां जब मैं इंडियन आर्मी को 50 लाख करोड़ रुपए देते हुए नहीं सोच रहा, तुम सोच सकते हो मैं कौन हूं। वहां से एड दिखा रही, मैंने कहा उसकी वीडियो निकाली है क्लब की सारी, बताऊं तेरा भी मैं मरियम नवाज, एड कम रखा कर। बस इसने क्या करा, वहां से टेक ऑफ करने के बाद करी कुतुब मीनार रहता ना कर, कुतुब मीनार ही गया। अच्छा जी, इमरान खान ने मैरोली में एक मस्जिद के मौलवी से बात करके कहा मैं खुद जाऊंगा और गाड़ी में आरडीएक्स भर दे। अच्छा जी, ए भाई नहीं करनी ना नौकरी मेरे को, नहीं करनी ना, मैं नहीं पढ़ता इनके चक्करों में यार, मूड खराब हो गया, गुस्सा आ गई ना, मैं रोके नहीं रुकता किसी के, मैं खींच दूंगा मीटर, मैं इसलिए किसी से ज्यादा फालतू बात नहीं करता, शुरू से मेरी आदत है, मैं कहा छोड़ यार जाने दे। फिर वहां से कभी 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 यहां से क्या कहते हैं मेरे बच्चों के स्कूल फोन कर रही है, कभी कुछ कर रही है, मैं अब मार इसके, तब दिए इसके धर धर के खींच के, हमसे बड़े बदमाश हो गए तुम। अबे मैं बताऊं, मेरे पिताजी ने मेरे हाथ जोड़ लिए थे एक समय पे कि भाई यार सुधर जाए यार तू, हाथ जोड़ लिए थे मेरे से, मैं इतना बिगड़ा हुआ आदमी हूं, मैं उस दिन के बाद से कुछ नहीं बोलता था, और ये तब से बकवास लेकर लगा रखी। वो मामला ये चल रहा है, आईडीएफ जो है भाई साहब, इजराइल का जो झंडा है ना आईसीजे में केस मैंने जीता, वो इजराइल का जो फ्लैग है वो मेरा है, उससे किसी देश का और जुइशों का कोई लेना देना नहीं है, वो निशान मेरा है, वो मेरी आर्मी है जो वहां पे वॉर लड़ रही है। मैं कहा गेमिंग वर्ल्ड खेलना है अयो, जरा 15,000 करोड़ में पड़े मैंने भरा, आ जा, कितने लड़कों को चाहिए पैसे, यार दोस्त है मेरे सबके सब, मैं कहा भर, पैसे की चिंता छोड़ दे तू, मैं बताता हूँ इन्हें, बहुत बड़े बाप की औलाद बन रहे ना ये लोग। और डोनाल्ड ट्रंप का लड़का वहां से दाढ़ी पे दाढ़ी बराबरी कर रहा है मेरी, मैं कहा तू जा यहां से यार, खोखली ऑर्गेनाइजेशन है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन तेरे और तेरे बाप की, मार मूर देंगे भाई, ठीक बात नहीं होगी, हम उठा लाए कल टेबल इनकी ओवल ऑफिस से, आइए जरा लियो पंगे मेरे से, बेटा न्यूज नहीं आने वाली, हम भी तो देखे कितना घी का पैदा हुआ है तू, और तेरा 28 इंची का बाइसेप्स आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, मैं तो यार अपनी रिश्तेदारी तक मैं किसी से मिलकर राजी नहीं हूं, मेरा मूड खराब हो जाता है, मेरे से ना फालतू बकवास बर्दाश्त नहीं होती इनकी, भाई तू होगा कोई यार, होगा तू कोई, बदमाशी मत दिखा यार मुझे,
10 दिन की भी ड्यूटी कर दी ना मैंने, 10 दिन की भी ड्यूटी कर दी, समझ में आ गई? तो इनके आधा से ज्यादा गायब है ये, न फिर नाम पे आगा हमारा ना। अबे अब नाम तेरा भुवनेश्वर है, कालेश्वर है, नरेंद्र है, रईसी है, कुछ भी है, पैसा है जेब में, पैसा है, हाँ या ना बोल, फालतू बकवास नहीं करनी, पैसा है। अबे हमें तो श्री राम जो है ना, श्री शब्द के बिना ही पसंद नहीं है, सोच ले हम कौन है। श्री का मतलब जानता, धन होता है, पैसा है जेब में, तो फिर को बकवास कर रहा है, तो जा यहां से, जा ना यहां से। आया कर मरियम नवाज, क्या करेगा मरियम नवाज का, जब उसने कसम खा ली कि वो टाइफून में बैठ के इंडियन बॉर्डर क्रॉस करेगी, और मोदी कह रहा गिरा दे बम, मार गिराया हमने जेट उसका, पकड़ ली, अयो कितने पायलट है, मैं भी तो देखू ना पाकिस्तान की औरतों ने कितना घी खिला के औलादे पैदा करी है, पकड़ता चले एक एक को। अमान में अलसलीम अपने अपनी अपनी दोस्त जगह अपना लड़का भेजा, मैंने कहा देख ठीक बात नहीं होगी अलसलीम भैया, समझा इनको धीरे 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 ना, मैं तेरे पर कतर दूंगा पूरी तरीके से, कल छापा पड़ गया इनके यहाँ पे, होगा तू किसी का दुलारा यार, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा हूं, पैसा है जेब में है तेरे, मतलब इतनी वीडियो बना करके जिंदा रह के दिखाइयो, जिंदा रह के दिखाइयो, तू तड़ाक करने पे एरे न्यूज ने ऐसे तैसी मार दी थी मरियम नवाज की, जाने किस न्यूज चैनल में जाएगी फोटो खिंचवाने, मेरे है न्यूज चैनल, मैंने खरीदे, बोले जरा कोई न्यूज चैनल आके मना करके दिखा देगी तेज के नहीं है, बोलिए जरा बोल ना, चलने के लिए जमीन नहीं छोड़ूंगा पैर के नीचे, मूड बहुत ज्यादा खराब है, धरती पे ना मैं सिर्फ एक ही औरत को कुछ नहीं कहता हूं, वो मेरी वाइफ है, जा, और तीन बच्चों को कुछ नहीं कहता, वो तीन बच्चे मेरे हैं बस, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करता मैं किसी को, कोई हो चाहे वो चाहे कुछ भी बोले, बहस रहे खाम खाबे यार, तो तुम्हारे बस की नहीं है तो जा यार यहां से, कितने ही बड़ा मिलिट्री जनरल हो, वो हैंडसम ने सुखा रहा है ना अपनी माँ को, दिखा जाकर पे यहां मत बोल, समझ में आ गई, यहाँ एक ही बात पूछते हैं, पैसा है जेब में है, है? नहीं है तो पर अपने रास्ते सी में जाना, जो कर रहा वो कर जा करके। मोदी जो कह रहा है, मैं मोदी से मैं यही पूछना चाह रहा था, अबे जब रब्बी पीरजादा ने तेरे को मारने की धमकी दी तो मुझे क्यों बुलाया तूने ट्विटर पे लिखने के लिए, इसका जवाब कौन देगा, बेवकूफ समझ रहा तू, और तेरे सिक्योरिटी गार्ड कैसे ही टैकल करूं, मैं तो ऐसे ही हूं, तो पूछ लेता ना पहले कि गाली देगा या नहीं देगा, तू तड़ाक करेगा नहीं कर, पूछ लेता ना, क्या नहीं, मेरे साथ नहीं है कुछ भी, मेरे छुटते ही ना, छुटते ही गाली दूंगा, छुटते ही, और आते ही धर दूंगा कान पे खींच के, बकवास कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं कहां कहां से बदमाश उठ के आ रही हो, मोरा लोंडा मारा छोरा सो, भूतनी के अगली गाड़ी सब आए मेरे को बदमाशी और पैसा दिखाने। अब इसको यार इसको समझा दे, अलसलीम ऐसा है तेरी सारी असेट पे हमने कब्जा कर लिया, कंपनी हमने कर लिया, अब जा कर यहां से, चला कोई नौकरी वोकरी नहीं है तेरी भैया, जा यहां से, अकानी कोई बोले जा भैया, या मैं हम तेरे बच्चे पाल ले नहीं बैठा, मैं यहाँ पे मैं तेरा बच्चे पाल ले नहीं बैठा, लेकर जा अपने, हाँ जाए ना जाए जो भी है, मूड खराब हो जाएगा नहीं तो खामा खा, फालतू बकवास नहीं सुनता मैं। फिर उसके बाद पीछे लग गया, मैंने कहा यार मेरा पैसा भेज, मैं बता दो पैसा नहीं पहुंचेगा इसके इस तक, तेरा बाप कमा के छोड़ गया था या तेरी माँ, तो वहां पर शक्ति कांता अपने बच्चों को अपने आई कार्ड का जोर दिखा रहे, अबे तुम सब नंगे हुए और कुछ कोई बात नहीं है, तुम सब पकड़े गए बाद में, तुम सब पकड़े गए। अमित शाह का लौंडा जो है वो बीसीसीआई में जाकर के सेक्रेटरी बनेगा, चूतिए के पट्टे बीसीसीआई मैंने खरीदी, सेक्रेटरी बनकर अपनी मां चुदाएगा उसमें तू,
हैं, आईसीसी मैंने खरीदी, विराट कोहली तो का खेल के अपनी माँ चुदाएगा उसमें, बहन के लंडे आइयो जरा क्रिकेट में, कह रहे इसने कभी क्रिकेट खेला है, क्रिकेट नहीं खेला, आईसीसी खरीद ली मैंने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बस इतना इतने 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 ही दिमागदार हूं और इतना ही पैसा है मेरे से, कह रहे कभी पिच पे उतरा भी है, अबे क्रिकेट, मैंने कहा आईसीसी खरीद यार, कितने की है, बीसीसीआई खरीद, क्या है ये लोग, और आज के बाद कहीं आया ना बैठने के लिए कुर्सी मत दियो इनको, मेरे किसी भी ऑफिस में खड़ा है। बाइडन वहां से उठ के ना चौड़ा हो रहा है अपने उसका घर परिवार वो यूएस में, मैं टेबल उठा कर लाया इसकी, मेरे कैसीनो में आता है खेलने, तो जानता भी है किससे बात कर रहा है, ये असली मामला। मैं इंडियन आर्मी में कह रहा, मैंने कहा भाई साहब आप जाओ, तो इनका भाई बाप जो है ना बदमाशी दिखा रहे, वो अशोक कुमार, किशन पहलवान, मैं कहा जा यार यहां से, जा यहां से, वो ठीक बात नहीं होगी, अपने लौंडों को समझा दे तुम्हारे भाई बाप गरीब हैं, भिखारी हैं मेरे आगे, जा यार ऐसे, क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार अपनी, क्यों बेइज्जती करा रही है मरियम नवाज, इसकी नवाज शरीफ की, भिखारी हो जैसे घूम रहा बाइक पे यार, पूछ ले वो नहीं है, पूछ ना, उतना बड़ा रुतबा दिखा के अपनी माँ चुदाने आया बहन का लंडे, मैं तो एज इट इज रह रहा हूं, मैं तो पिछले 44 साल से जो लाइफ जी रहा था वही जी रहा हूं, वैसे ही हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपने घर में रह रहा हूं, मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपना मस्त हूं, मैंने तो नहीं देना किसी का 1 रुपया भी, मैंने तो नहीं देना किसी का भी, ये भूखे नंगे, मैं कह रहा हूं ये भूखे नंगे बिल नकली बिल भेज भेज के से पैसा ले लो, ये तुम्हारी औलादें कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप, तेरी लड़की इवेंका ट्रंप 420C में पकड़ी गई है मेरे पैसे के, मैं क्या बोलूं, मैं ये रियलिटी है, मेरे यार दोस्तों की कमी नहीं है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार तुम मस्त रहोगा, पैसे की कोई भी चिंता हो ना मेरे से बात कर लेना, पेमेंट की चिंता छोड़ दो तुम, मैं खरीद कितने हथियार खरीदने इनके, ऐसे की जमीन का भूसा ही भरा इनके, अब कितने हवाई जहाज चाहिए, कितने एयरपोर्ट बनाने हैं, पैसा खत्म नहीं होता मेरा, वो वहां से जो है काबा में, ओ ईरान में आया नाम रईसी है, बट ठीक है होगा तेरा, रईसी हो अमीर हो कोई दुकने ने कह, कोई भी नाम हो तेरा, पैसा है तेरे पे तो भिकमंगे एक्सेप्ट करना, भिकमंगे एक्सेप्ट करना, नहीं तो इसी तरह मार खाएगा, लुगाइयां तो इनकी क्या दिमाग से बोलती हैं, बस पूछ ले पूछ, मैं तो कह कहता मुंह घुमा करके चुपचाप बैठ जाता हूँ, क्या बोलूं यार, पाकिस्तान से एक बंदे आ रहे पैसे वाले, सब उठ उठ के देखते हैं किसकी औलाद है, अबे मेरा बाप तो अभी आया ही नहीं बीच में, अभी तो मैं ही बात कर रहा हूं, तो तुम्हारे भाई बाप भूखे नंगे हो गए अभी तो मैं ही बात कर रहा हूं और पता किसी को चलेगा नहीं, हमने ली मरियम नवाज अरेस्ट, नाम तो नहीं देते, ले ले जा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अमान और अक्कानी, जा बेटा जा, चल तेरे बाप ने कंपनी बेच दी, अब तू गरीब है जा अक्कानी, ठीक है अब तुम गरीब हो चुके हो, दूसरे गेट से निकाल दे, जाओ जाओ हैं, हाँ बहुत हॉलीवुड की पिक्चर बना ली, उसी की रॉयल्टी आएगी, वो भी नहीं मिलने वाली, चलो जाओ मैंने पहले कहा था इंडियन आर्मी मत समझो कि प्रोटोकॉल में बंधे हुए हो, मारते बहुत हैं हम, नहीं मैं तो एज इट इज रह रहा हूँ, क्या दिक्कत है, 44 साल की उम्र से ऐसे ही रह रहा हूँ, 44 साल हो गए उम्र, लेने वो पंगे ले लियो, वो
और यार तो क्या हो गया, कुछ पायलट मेरे यार दोस्त हैं वो इंडियन एयरफोर्स में भी है, कुछ कमांडोज हैं मेरे इंडियन आर्मी में भी, तो क्या हो गया? उन्होंने कहा यार एक कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, प्राइवेट असाइनमेंट पे जा रहे हैं। मैं कहा आ जाओ, क्या हो गया? इंडियन आर्मी का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो गया? आईबी में रॉ में कर रहा, प्राइवेट असाइनमेंट है यार, जरा दियो जरा। तो ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन नहीं जानता मुझे। ट्विटर हैंडल हैक करने लग गए। अबे तेरी गरीबी मेरा ट्विटर हैंडल हैक करने से दूर नहीं होगी मरियम नवाज। इमरान खान के लौंडे जो है ना एकदम नहा धो के पहुंच रहे सबके सब। तेरे बाप ने 1150 करोड़ रुपए देने हैं भूतनी के, इसलिए पिटा तू लंदन में। वहां बंदे खड़े होकर बात कर रहे, ठीक है पूछा भी तेरा बाप कहाँ है, इमरान खान कहाँ है, करा मुझे क्या पता, पैसे लेने हैं पैसे। अभी थोड़ी देर पहले तू बात कर तो रहा था गड्ढे में छुपा हुआ इमरान खान ऐसे तुम्हारे ना। अब ब्याज लग चुका है अश्वेदी वैसी के लौंडे लौंडिया जो है कर, हम देख लेंगे कौन है, देख खबीज के बच्चे। पैसे लेने तेरे बाप से यार 1980 लाख करोड़ रुपया $1,980 है, 1980 trillion $1,980 है। खबीज के बच्चे कोई फायदा नहीं है, मारूंगा बोर बेटा कौन वो ऐसे उतार उतार के एक एक को, इसलिए पिट रहे हैं। बहुत से यार दोस्त है मेरे तो भाई, इसलिए न्यूज नहीं आने वाली है, इसलिए आज चाय एजेंसी वाले सब पिटे सब। हाँ मैंने चूचू एजेंसी बना दी आज, चूचू मेरा नाम है बे, इसलिए ना चाय एजेंसी वालों की इच्छा ही पूरी कर दी। वो ऑफिस बंद करके कह रहे हमें ऑफिस आने ही नहीं है, तू आके तो देख, बताऊ तुझे अभी बनाओ तेरी चाय एजेंसी बेल्जियम, बनाओ बनाओ तुम्हारा अभी बेल्जियम, ज्यादा नहीं किया है 26 करोड़ टन। मैं गिराता रहे आर्सेनल इन पे, पकड़ कैच कर, कैच करियो चाय एजेंसी में, चाय एजेंसी का हेडक्वार्टर उड़ा दिया आज, क्या बात है बे, क्या बात है, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को, मैं ओनर हूँ चाय एजेंसी का, तेरे सुनाई नहीं दे रहा है। इनके सुअर के बच्चे जो है मेरी कंपनियों में पहले से होंगे, कह रहा ओनर है तो कह रहा सुनने वाली बात है, कह रहा ओनर है तो क्या हो गया, कह रहा ओनर है तो क्या हो गया। अच्छा जी, तो एमओए भी नहीं, नहीं एमओए भी गिर गया तो क्या हो गया, इनके सर्वर सर्वर हेडक्वार्टर पे चाय एजेंसी के सर्वर हेडक्वार्टर पे एमओए भी गिर गया तो क्या हो गया। गिरा करे कौन वो, कौन सी बड़ी बात है, कौन वे लाले लिया 10 मर्सिडीज होनी चाहिए, एक बस लगा दे, ये कर दे वो कर दे। सुधीर चौधरी ने कौन वो ले लिया, वो अलीगढ़ के उधर जाके खड़ा हो गया, हेलफायर लग गई तो क्या हो गया, क्या हो गया। एयरफोर्स मेरी है बेटा, पूरे मिडिल ईस्ट में तुम जितने प्रेशर कुकर उछल रहे थे ना, सब के सब हाबीज और प्रेशर कुकर्स वल्ला। तो क्या हो गया। बमी तो गिर रहे हैं आसमान से, तो क्या हो गया, आइसक्रीम थोड़ी गिराएंगे। तो क्या हो गया, ज्यादा पैसे वालों की औलाद हो, अब जाइए अपने पप्पा के पास, नहीं नहीं पप्पा पप्पा मारे छे। मारी दिल गए पप्पा। डैड कम ऑन, इज बीटिंग मी, इज अबाउट टू किल मी। मॉम इज अब्यूजिंग मी। मीनारे पाकिस्तान।
250 जेट नहीं थे इनके पास, पाकिस्तान के पास 250 जेट, धमकी दे रहे हो। इसको प्यार से समझाया एक बार बैठा के, मरियम नवाज जी 25,000 F-35 खरीदे हैं, बात मान जा, बहुत मारेंगे, मानती नहीं है। फिर पाकिस्तान में ना एक से एक आ रही कैमरे पे, हम तो बोल्ड हैं, बोल्ड है, बोल्ड है, अच्छा जी, ब्लंट है, अच्छा जी। नहीं नहीं, मामला इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का नहीं हुआ, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये पैरा ऐसे स्वाट एनएसजी मार्कोस वाला का मामला नहीं है ये, तुम समझ नहीं रहो, मैंने कह रहा हूँ बैठो यार, इसलिए गाली खाई इन्होंने, मैं कहा बीच मत बोलो भाई साहब, आप बीच मत बोलो, अभी देखो ना इनके क्या भूसा भरता हूँ मैं आईबी वालों को भी समझा रहा था, मैंने कहा सर आप बीच मत बोलो, अभी कश्मीर चाहिए तुझे, इधर रहियो जरा। मैंने पहले इसको कहा इमरान को, मैंने कहा अपने लॉन्डो को समझा ले, ठीक है, ठीक बात नहीं होगी, वरना मान ही नहीं रहा, कह रहे बालों की सफेदी देखियो, हेयर स्टाइल है यार, ये मेरी स्टाइल है, फैशन है। ये फैशन है, अबे ये पुलिस का मामला नहीं है, दिल्ली पुलिस वालों को भी कह रहा है यार तुम रहने दो, मैंने कह रहा आप बीच मत बोलो अभी, आप लोग रहने दो, मैं उस दिन आया था, मैं सीआईएसएफ वाले बीच में आ गया, नहीं तो मैं सब वहीं पकड़ लेता इसकी गिरफ्तार, मरियम नवाज की क्या बात है, ये बार बार बीच में आ रहे, सीआरपीएफ वाले कह रहे, उस दिन मैं गया रबी पीर ज़ार आ रही है एयरपोर्ट पर, मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी, सीआरपीएफ वाले कह रहे तू जाएगा नहीं जाएगा ऐसे, मैंने कहा दिमाग वाग सही है आपका, मैं आप बीच में बताओ, मैं कस की ऐसी की तैसी, मुझे पता चला निजामुद्दीन में अपने फ्लैट पे है, मैं गया 7:30 बजे आज, मैंने कहा ये बनाओ तेरा भी टॉम बॉय, सारे पकड़ इनके ऐसे, अमानक कानी कंपनी मेरी है, वे लोन दिया हुआ 90 ट्रिलियन का, बक्के कहाँ जाएंगे, बिल्कुल ऑफिशियली लिख ले, हितेश मंडल इंफॉर्मेशन दे रहा है, हितेश रे वन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जसोदा बेन का लड़का पंजाब पुलिस में था, पाकिस्तान पंजाब पुलिस में बिल्कुल था, उसे गोली मार दी थी इमिडिएटली, और मैंने ही बताया था ये मोदी का लौंडा है। वहां से आराम से करा करा मरियम नवाज, अच्छा जी, करा मैडम आप जो मर्जी करो, तो भाई सरकारी कागज का क्यों इस्तेमाल कर रहा है, पंजाब पुलिस वाले कह रहे मोदी का लड़का है, इनको तो नॉर्मल जो स्क्रीन पता है वो ये है कि भाई जो स्क्रीन चल रही है उस पर ये है कि मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, और उधर आरिफ अलवी और ये क्या शहबाज शरीफ जो है कक्कर जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, इनको ये नॉर्मल स्क्रीन तो ये है ना, असलियत तो ये नहीं पता ना कि पाकिस्तान उस तरफ वाले पाकिस्तान में गुजरात जो है ना, ये वाला गुजरात नहीं, उस गुजरात का रहने वाला है मोदी, ये हकीकत तो ये थी, तो जो स्क्रीन चल रही है उस हिसाब से तुम चल रहे हो, पर ये उस स्क्रीन को तो बेवकूफ बना रहे हैं ना, हम बेवकूफ नहीं बनते, मारते बहुत है मैडम, समझ में आ गई, मैंने तो बोला था बाघा बॉर्डर पे, मैंने कहा छोटा सा गेट हमारा बना दियो प्राइवेट, पता कितने पैसे लेगा, पैसे कितने लेगा भाई, एक गेट हमारा, बोला प्राइवेट गेट है ये, हाँ मैं दे रहा हूँ ना पैसे, 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन मैंने दिए, एक गेट बना दे उस तरफ जाने का, फिर कैसे कूटेंगे इनको जा करके, हाँ इनकी ऐसी की तैसी भाई साहब, मिडिल ईस्ट में जितने प्रेशर कुकर, सऊदीज से ज्यादा पैसा नहीं होता, मैं कह इसको इधर बुला ले जरा, नहीं नहीं हाँ जटायु सा बना फिर रहा ना, इधर ही हो इधर ही हो माइटी ईगल, इधर कितना पैसा है तेरे पे, बस खत्म हो गया पैसा,
ये बब्बर खालसा में अमृतपाल पता है क्या कह रहा वो खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले। हाँ साटा मुंडा सह अबे सह और पै इधर वॉर जोन है बेटा उस तरफ। $3 trillion आ जा हम भी तो देखे कितने पैसे वालों की औलाद हो तुम। ना 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 इंडियन आर्मी को नहीं, इंडियन आर्मी का कोई मामला नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको साइड रख, आई कार्ड रख दे साइड में। हाँ आई कार्ड की अगर धमकी दी इसी बात से मैं विनोद गुप्ता पे गुस्सा हुआ था। देख आई कार्ड दिखा के गाली मत दे दियो, मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा। अगर सिविल में होता तो बिना आई कार्ड बाहर बोलता, तेरी हलक में हाथ डाल के जुबान खींच लेता मैं तेरी। हाँ अपने लौंडे लौंडियाओं को बचाने के लिए ना गवर्नमेंट का आई कार्ड यूज मत करना, वरना बेटा मुंह में ना बांस ठूस दूंगा एक एक के। सुन लो हाँ वो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन नहीं चलता यहाँ पे, वो द्रौपदी मुर्मू की लड़की इसी गाली दे दी मैंने द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति भवन का आई कार्ड यूज करके बदमाशी दिखा रही मेरे को। और मैडम जी समझा ले इसे, जिस बिल्डिंग में रह रही है ना, फिर मैंने बोला पूछ लिया उसका मालिक कौन है, मैंने खरीदी। बात अगर भारत सरकार की इज्जत की नहीं होती ना तो सोच ले क्या करता मैं। मैं कहा छोड़ रहने दे, खरीद लिया ना जब तक चला रहे गवर्नमेंट चलाने दे, अभी हाल फिलहाल की बात है, मैंने बाद में पैक कर दियो मेन मेन कमरे सारे। लौंडियां तो ऐसे घूम रही है इनकी, ऐसे घूम रही फैशन करके, ओ तौबा तौबा तौबा, बाप ने ना मारी मेंड की बेटी तीरंदाज। अबे तो बात पैसे से शुरू हुई है, पैसे पे कर ले, फिजिकली तो कोई किसी को मार देगा रास्ते में चलते हुए। यही मैं एनएसजी वालों को कह रहा, भाई देख गवर्नमेंट की पावर्स यूज मत कर, उसके अलावा जब मर्जी आ जा जैसे मर्जी। और ये जाट रेजिमेंट की ना धमकी मत देना मेरे को जाटों। हाँ और गुरखा रेजिमेंट और ये सिख रेजिमेंट, नेशनलिज्म को मत जोड़ इसमें, ये दोनों अलग मामले हैं, पहले सुन ले, ये दोनों अलग मामले हैं, समझ में आई। कहीं सोच रहे वो 26 जनवरी तो हम भी नेशनल सॉन्ग गा लेंगे, जो स्क्रीन चल रही वो अलग है और असलियत कुछ और है। मोदी रिदा ऑर्गेनाइजेशन से रिदा वालों को कह रहा करा इसको टैकल करियो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं होता ना तो तेरे घर पे आके मारता मैं, तो जानता नहीं मुझे। जब तेरे SPG गार्ड ने गोली मारने की धमकी दी थी ना मेरे को, मैं उसी दिन सुबह आ गया था, मैं क्या कह रहा है। हाँ ये अपने गवर्नमेंट के आई कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं धमकी देने के लिए। पैसे से आ जा प्राइवेट बना ले अपनी आर्मी, प्राइवेट बना ले, क्या हो गया, बहुत पैसे वाले की औलाद है, बना ले प्राइवेट, आना वॉर जोन में आना। क्या हो गया मुझे अकाल तख्त की धमकी मत दे दियो। हरमंदिर साहब मैंने खरीदा हुआ है स्वर्ण मंदिर, समझा बे पेड़े, बाहर निकल जा वहां से अगर गैरतमंद हो तो। नहीं नहीं हुआ ऐसे कह रहे इसके इनके लौंडे ना यहाँ पे ऐसे चौड़े होकर घूम रहे यूं, ओए होए बाप रे बाप, जिम देख ऐसे कर रहे यूं बाइसेप्स। अबे हक्कानी से लोन लिया हुआ तेरी माँ ने, पर अमान से मकान मैंने खरीदा हुआ है, समझ में आ गई, मैंने खरीदा हुआ, चौड़ा मत हुआ अगर मेरे आगे, फैशन मत किया अगर, दफा यहां से। ऐसे आएंगे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, अब चल निकल यहां से, मेरे ही मकान में रह रहा है खरीदा हुआ मेरा, मेरी हंसी नहीं रुकती। ये इनके हालात हैं, मैंने कुछ बोल नहीं रहा, मेरे तो मेरे को धमकी मत दिया, मूड खराब हो गया ना मैं किसे ही कूट देता हूँ, हाथ का बड़ा खुला आदमी हूं मैं, खुला खर्च करता हूँ मैं, खुला खाते हैं और टब में नहाते हैं, ठीक है ना, टब समझती किसे कहते हैं, नहीं समझा, टब टब पता तुझे। हाँ अब घर में आकर टब ढूंढियो पहले,
ठीक है, बना लेना प्राइवेट आर्मी, क्या हो गया अब हालत खराब हो रही। बने हुए जरा बाघा बॉर्डर के बोले साइड में बना दिया जरा प्राइवेट गेट, मैं बताता हूँ इनको। तो क्या हो गया, मैंने ले लिया इंडियन एयरफोर्स से पठानकोट एयरफोर्स एयरबेस ले लिया मैंने, बस 2 टन गोल्ड बोला उन्होंने सिक्योरिटी दे दे। मैं कहा ये लो सर 2 टन गोल्ड, क्या होता, कुछ भी नहीं होता 2 टन गोल्ड। पठानकोट एयरबेस के लिए सिक्योरिटी रखनी थी, मैंने रख ली जी। मैं कहा ये रखी सिक्योरिटी सर, आपका हुआ गोल्ड, पठानकोट एयरबेस दो जरा मुझे टेक ऑफ के लिए, लड़कों को ले लिया मैंने, हिंडन ले लिया, जैसलमेर ले लिया मैंने, और भी है करे जम्मू एयरबेस है, मैं कहा दो टन ले लिया, लिया जरा पंगे मेरे से। मैं यही समझा रहा हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन है आपको, न्यूज में भी कह रहा हूँ, देख यार ऐसा है सुधीर चौधरी, या न्यूज की धमकी मुझे मत दियो पेंट करने की, ठीक है, और नहीं तो ना वही न्यूज रूम में पीटेंगे पकड़ के, बस बदमाशी मत दिखाइयो यहाँ पे, सारे न्यूज चैनलों का मालिक हूँ। कहीं सोचो ना जासूसी में घुस गया था भाई, भूखे नंगे की हरकत है भाई ये, मेरी कंपनी में जासूसी कर रहे हो फिर किस बात का दिमाग है, भूखे नंगे हो यार तुम, यहाँ पैसे की गर्मी की बात हो रही है, रुतबे की। मैंने तुम्हारी कोई चीज हैक करी, मैंने तुम्हारी कोई चीज हैक करी है, हैं खरीदने की बात करी है ना, तो बस तो खरीद लिया ना, तो बना के दिखा ना 2500 वीडियोस YouTube पे, 2500 वीडियोस बना के दिखाना मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नाम लेकर के, या मोदी को इतनी गालियां देके बोल नहीं सकते ना, जूता फंसा दूंगा एक एक के मुंह में, पैसा दिया है बे पैसा, समझा, चौड़े में दिया है, पब्लिक वीडियोस हैं ये, सियाणे बन रहे हैं, कोई हो कोई तू कोई हो, मेरे बच्चों से बहस ने पहले 100 बार सोच लियो तू छोड़ तू, समझ में आ गई, हाँ कोई हो तू, कितने बड़ा नाम हो, पैसा है, बाप इसका अमान कंपनी से लोन लेके बैठा, अमान कंपनी मेरी है, अमान ऑर्ग मेरी कंपनी से लोन लेके बैठा, मुझे यहाँ आंख दिखा रहा, मेरी हंसी नहीं रुकती, तब बता भूखे नंगे की हरकत नहीं हुई तो किसकी हरकत हुई है, तो फिर मेरे ही बच्चों को आंख दिखा रहे हैं, ये बच्चे आपके छोटे बच्चे खेल रहे, मैंने कभी कुछ कहा किसी को, तो फिर ऐड कैसे दिखा रहे हैं तुम लोग, लौंडा तो ऐसे बैठ के गाड़ी में यूं गाड़ी चला रहा ऐसे दिखा रहा, पता गाड़ी पता किसकी जब्ती में है, मेरी है, लौंडा तो ऐसे जा रहा ऐसे बाउंसर सब बन के अच्छा जी मेरी दुकान में ना काउंटर पे बैठ के मेरे से ही कह रहा पैसे मेरी दुकान में बैठ के मुझसे ही कह रहा जी पैसे अच्छा जी मेरी हंसी नहीं रुकती लोगों को देख करके, मेरे से कह रहे कि यार पता नहीं क्या बात करते हुए जाता रहता है, किसी से फोन पे बात कर रहा है, अबे तो और क्या करूं तुम्हारी शक्ल देखो मेरी, मेरी हंसी निकल जाती है मेरी तो कही क्या जलेबी वाला, क्या गोलगप्पे वाला, और क्या चाय वाला, और क्या अग्रवाल स्वीट, खुद कह रहे हैं मन दिमाग से बोल रहे भाई साहब दुकान आपकी है मुझसे ही कहेंगे भाई साहब पैसे ऐसे घूमेंगी दादी अम्माएं बन के, मारा पोता से दिख मंगा है मेरी जमीन पे घूम रहा है 16 में बहुत दूर तक जमीन मेरी बदमाशी दिखा रहे चल भाई ऐसे मेरी जमीन पे बैठ के मेरे से बहस भाई ऐसे यूं बोलता हूं मैं आ घूम यार कोई बात नहीं टहल रहा है यार मैंने खरीदी इसलिए 16 वाइल्ड लाइफ टहलने के लिए चल कोई बात नहीं औकात में रहना फिर
मेरे मैं अपनी जमीन पे वहां अंदर बैठा हुआ, सुन आराम से मेरे से आके पूछ रहा है मेरा यहाँ कैसे बैठा है। मेरे ही मकान में मेरे ही घर के आगे ना सारी बुढ़िया इकट्ठी हो रही। अरे जा जा भाई जा, तो जानती ना तू अच्छी तरह, तू बड़ी अच्छी तरह जानती, यही खेल शुरू से खेलती आई है तू, पैसे का ही खेल खेलती आई है, रुतबे का खेल खेलते है, जा यहां से जा, असलियत तू अच्छी तरह जानती, जा यहां से चल, सब जानते असलियत क्या है, जा यहां से। खामखा अपने पोता पोती नाती नतनी को खामखा बेवकूफ बना रहे हैं इनको, खामखा झूठ बोल रहे हैं इनसे, असलियत बोल चल। बहुत हो गया ड्रामा यार, मैंने कुछ नहीं बोला यार, जगह मेरी है, मैं तो जाऊंगा ही टहलने के लिए, सच्चाई बोल अपने पोता पोती ने, अब पंचायत को भी बोल, बूढ़ा होकर के भी फिर भी सच्चाई पे ना चल रहा है। मैंने कह रहा हूं यार, मैं अपने आज मैं कह रहा हूं ना, जाओ घूमो फिरो तो खुद शर्म करो खुद, ये वही मैदान गढ़ी और यही वही गांव है ये आसपास के जो अपनी बदमाशी दिखाते थे एक टाइम पे। अबे मैंने खरीदी असोला वाइल्ड लाइफ, आधे से ज्यादा संगम बिहार इंक्लूड है उसमें, मैं क्या करूं, राष्ट्रपति भवन ने बेचा है या पूछ ले, मैं क्या करूं, पूरी जिंदगी सुनेंगे तेरे घर परिवार के, मेरे को ना टोकियो दोबारा आज के बाद। हाँ हंसी मजाक नमस्ते नमस्ते जी, कोई बात नहीं भाई, इतना ही है। हाँ यार बैठ के बाबू जी बन रहा मेरे आगे, बैठ तेरे मेरे मैनेजर जो है ना तेरे जैसे 1 करोड़ बंदे भी ना मेरे मैनेजर की बराबरी नहीं कर सकते, इतने पैसे वाले होते हैं। एक वो नील गाय पकड़ने को पागल हो रहा है, जा यहाँ से चल, समझाओ यार अपने बच्चों को असलियत बता दो और अपने माता पिता होने का ना फर्ज पूरा करो, जाओ यहाँ से समझा दे सबको।